Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, आज हम बात करेंगे पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के नाम प्रिंट कराने के बारे में. जी हाँ दोस्तों, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के नाम प्रिंट करा सकते हैं उसको हम देखेंगे. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो पाइथन का IDE है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ. अब ये देखिए, यहाँ पाइथन का हमारा IDE ओपन हो चुका है. यहाँ से न्यू फाइल चूज कर लीजिए आप. यहाँ न्यू फाइल चूज करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपना कोड लिखना है. जो कोड हम लिखेंगे वो यहीं पे लिखेंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सिंपली आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रूट्स. यहाँ मैंने लिख दिया फ्रूट्स, ठीक है. इक्वल टू का निशान दिया और यहाँ पे इक्वल टू का निशान देने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए आप. और इसी स्क्वायर ब्रैकेट में डबल इंटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए फ्रूट्स के नाम लिखते जाइए. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, ठीक है. इसको यहाँ स्पेस दे देता हूँ, कॉमा देंगे. अब यहाँ लिखता हूँ पपाया, डबल डॉट कॉमा इसमें भी रहेगा. और यहाँ पे हम देंगे वाटरमेलन. अब इतने सारे जो नाम हैं इनको प्रिंट हमें कराना है. तो हमने आधा काम तो कर लिया है. अब हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद, ठीक है. इनवर्टेड कॉमा क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज. तो यहाँ पर आकर के इसको क्लोज कर देते हैं. ये हमने कर दिया क्लोज, ठीक है. अब यहाँ से हमको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है लूप, ठीक है. यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई भी नाम. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इन, ठीक है. और यहां लिख दूंगा फ्रूट्स, ठीक है. चूंकि यहां फ्रूट्स नाम से हमने बनाया है तो यहां पे हम फ्रूट्स लिख देंगे. और फ्रूट्स लिखने के बाद यहां पे लगा दीजिए आप कोलन. और कोलन लगाने के बाद नीचे आप कर दीजिए प्रिंट, इसको करवा दीजिए. तो यहां लिख देता हूं मैं प्रिंट, ठीक है. सिंपली आपको प्रिंट लिखना है और यहां पर लिखना है ए, ठीक है. और इसको कर देना है बंद. आपका काम हो चुका है. अब आपको सिंपली जाना है, इस फाइल को सेव करना है. यहाँ मैं सेव करता हूँ इसको फ्रूट्स के नाम से. और यहाँ .py लगाना मत भूलिएगा. यहाँ .py लगा दिया हमने. और अब यहाँ से रन पे क्लिक करना है हमें, रन मॉड्यूल या F5 दबा दीजिए. तो यहाँ देखिए जो जो नाम हमने लिखे थे वो सारे प्रिंट होकर आ रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमको एक स्ट्रिंग कई सारे फ्रूट्स के नाम या राइस के नाम या कुछ भी हमको प्रिंट कराना होगा, ठीक है. चाहे वो ग्रोसरी के आइटम हो या कुछ भी इस तरह का हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो, एक श्रृंखला प्रिंट करानी हो एक जैसी चीज़ों की, या फिर अलग अलग चीज़ों की भी प्रिंट करानी हो, तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.